तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पार्किंग पे हमने गाड़ी लगा दी है, तो अब हम चलते हैं चौकी ढाणी के अंदर। तो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद बंद है, तो देखते हैं बंद है या खुली मिलेगी हमारी किस्मत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो सब कुछ बंद है, यहाँ पर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे चौकी ढाणी, ढूंढते ढूंढते हमें बड़ी मुश्किल से मिली थी, बट यहाँ पर आके देखा तो ये चौकी ढाणी हमें बंद मिली। क्योंकि फिर आगे हमने पूछा इनसे तो टाइम बताया कि शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली रहती है, और हम आ गए 2 बजे ही। तो अगर आप भी यहाँ पर कभी चौकी ढाणी देखने आए तो आप भी इस टाइम पे आ सकते हैं, 4 से 7 सॉरी 4 से 11 खुली रहती है। तो अब तो हम देख नहीं पाएंगे, मैं फिर से प्रयास करूँगी कि तो हम फिर से आएंगे और एक बार चौकी ढाणी का मैं आपको टूर ज़रूर करवाऊँगी। तो अभी चलते हैं कहीं खाना वाना खा लेते हैं और फिर अजमेर के लिए निकलना है। ये पूरा अपना राजस्थानी कल्चर है, ये ऊपर लिखा हुआ है चौकी ढाणी। तो हम फिर से आएंगे और फिर से आपको ये पूरा अंदर तक मैं दिखाऊंगी। तो अभी तो किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि हमें टाइमिंग का पता नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से चौकी ढाणी देखने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि कल हमने विजिट किया था तो हम सुबह के टाइम आ गए। तो अभी इसकी टाइमिंग है शाम को 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये ओपन रहती है। तो आज हम फिर से अभी आए हैं, तो अभी टाइम कितना हो गया, तो आज हम फिर से विजिट करने आए हैं चौकी ढाणी। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो मैंने कहा आज तो हम प्रॉपर देख के जाएंगे चाहे कितना ही टाइम लग जाए। तो अभी हमारे पास पूरा टाइम है तो हम पूरा एंजॉय करेंगे, आपको मैं पूरी चौकी ढाणी विजिट करवाऊंगी। तो चलिए मैं आपको विजिट करवाती हूँ। यहाँ पर है शर्मा पान भंडार, चौकी ढाणी। तो देखिए ये है बड़ा सा घंटा और साथ में लगी है लाइट, और ये है इसका दरवाजा बना हुआ। और ये राजस्थानी कल्चर में ये डिजाइन बने हुए हैं, और ये यहाँ पर कैंडल्स जला रहे हैं। तो ये सारे ऐसे झरोखे से बने हुए हैं, इनमें देखिए कैंडल्स रखी हुई है, तो ये सारे ऐसे अभी जलने वाली है तो उससे अच्छा सा रोशनी हो जाएगी। इनके पास ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़े बड़े ऐसे पोर्ट स्टाइल में ऐसे कुछ बना हुआ है यहाँ पर। और ये इतना बड़ा मटका सा बना हुआ है यहाँ पर, रिदम फोटोग्राफी कर रही है। ये रिदम, ये लालटेन होती है बेटा, इसको ऐसे जलाते कैसे पता? तो दिया नहीं होता, इसमें तेल डलता है। यहाँ पर रिदम ये कैंडल जलाती भी सक्सेसफुल जलाती है। इधर देखो कैसा लगा।
दिया जला के अच्छा लगा। तो यहाँ पे हो रहा है स्वागत। श्री गणेशाय नमः। ये यहाँ पर बड़े बड़े पॉट से रखे हुए हैं। और ये देखिए कलाकारी की हुई है इस पॉट के ऊपर, ये बहुत बड़ा है। ये इतने बड़े बड़े मटके से रखे हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड ये जो गेट बने हुए हैं इसमें बहुत ही शानदार कलाकारी की हुई है। डिजाइन इतने शानदार शानदार बने हुए हैं, कलरफुल और पीतल के साथ में। और ये बाहर ये पॉट टाइप रखे हुए हैं, ये भी पीतल के है, इतने बड़े बड़े। और ये जो डिजाइन है राजस्थान का मस्त वाला। और यहाँ पर हाथी घोड़े और ये राजस्थान की ज्वेलरी। तो अब हम तीन टिकट ले रहे हैं 800 वाली। तो इसमें आप पूरी चौकीदानी घूम सकते हैं और साथ में आपका खाना इंक्लूड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेटीएम की भी सुविधा है, तो आप पेटीएम से भी पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दरवाजा सा बना हुआ है, तो आप यहाँ पर टिकट दिखाओगे तभी अंदर एंट्री मिलेगी आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, राम राम सा पधारो हमारे देश। ले गया वे? अच्छा, तो ये ले लिए हमने टिकट। और ये उल्टी हुई टिकट दिखाते हुए, हाँ ये ऐसी थी। ओके, तो यहाँ पर ये टिकट देखते हैं, फिर उसके बाद में हमें एंट्री मिल जाती है अंदर जाने की। खोल दिया है? तो ये इतने सारे यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जगह जगह बैठने के लिए बनाए हुए हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, कुछ तकिए भी साथ में रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। जी मंडावणी रिठौर यहाँ पे फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे आप मेहंदी मंडवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। ये लेडीज यहाँ पर बैठी होती है। सब ये होट पर ठहरा हुआ है सब, और छतरी बन रही है जुबान की कलाकारी से। छतरी का महल बन गया जुबान की कलाकारी से। तो कैसे चलेगी जरा ध्यान लगा के देखना साहब, ये नजर वाला और मेहनत वाला खेल है साहब, ये कोई जादू मंत्र वाला खेल नहीं है। अब जुबान से निशाना लगाएंगे साहब। क्या बात है ये। ये बना हुआ है कुआं, कुआं है ना ये, और ये यहाँ पर औरतें बनी हुई है। हाँ ये मटके रखे हुए हैं, मटके ले लेंगे। बन गई क्या? यहाँ पे बन रही है कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी बनवाएगी रीता? बना ले, बना के देखो, ट्राई करो। रुको मैं इस साइड से, ऐसे ऐसे राउंड करना, आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे है ना। यहाँ पे रिदम बना रही है कॉटन कैंडी। काफी अंधेरा हो गया फ्रेंड्स, ये उठा लो। तो यहाँ पर आप निशाना लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप खेल सकते हैं। पाँच पाँच में, दस दस में आप यहाँ पर खेल सकते हैं। दस रुपए इनाम है, दस रुपए से बोलो। अरे बेटा बोली, यहाँ पे बैलून फोड़ने वाला है। इन सब के पाँच पाँच रुपए रेट रखे हुए हैं। हाँ यहाँ पर है हाथी, हाथी की आप सवारी कर सकते हैं। सामने आओ इधर।
कितने के भी है? 960 सारी लकड़ी के सामान आपके पास? बीस की। अगर आपने बचपन में ये चलाई हुई है तो अभी खरीद के चलाने के मजे लो। लाख के बने हुए ये सारे के सारे। क्या है यहाँ पर? आपको फैमिली ट्री भी बना, पूरा फैमिली का नाम लिख के ट्री बनता है। लकड़ी की है ना? किस चीज की बनी हुई है? लकड़ी के ऊपर पेपर गया। अच्छा। रिदम इधर देखो, रिदम जा रही है कैमल राइड करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम खाना खाएंगे। यहाँ पर थाली लग चुकी है और ये है छोटी छोटी कटोरियाँ रखी गई है, ये जो पत्तों वाली बनी होती है। अब इसमें खाना आएगा अपना। तो यहाँ पर ये चटनी आ गई है दो टाइप की, और यहाँ पर ये सलाद। ये भैया क्या डाल रहे हैं? ये डाला है चूरमा, दाल पकौड़ी गर्मा गर्म, ये है दाल पकौड़ी। आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं इसको। तो खाना खाना शुरू करो सर जी। मो कैसा लग रहा है एकदम राजस्थानी खाने का स्वाद लो। ये दे रहे पानी। सब मक्खन ही रोटी चौपड़ की खाना है। ये मक्खन, ये सरसों का साग, ये आलू की सब्जी, ये देखिए दीपक के अंदर मक्खन। तो चटनी सब मक्के की रोटी के मक्खन लगा के खाना है। ये दाल है इसमें, और ये दाल है, वो कड़ी है, कड़ी है ये। हाँ ये कड़ी, कड़ी दाल। एकदम कैसा लग रहा है खिचड़ा? देखो घी डाल दिया है, बहुत बाजरे का खिचड़ा खा रही है रिदम। घी से तिरा दिया है पूरा। ऐसे घी ऐसे डालते हैं, ऐसे ये चम्मच है, ऐसे घी दो तीन चम्मच ऐसे सीधे डालते। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कर लिया है डिनर। तो खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा था, और खा के मजा आ गया, पेट फुल हो चुका है। और आपको ये भर भर पेट खिलाते हैं, चाहे जितना मना कर दो थाली में ये भरते रहते हैं। और
खूब इंजॉय किया हमने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, मना मत करना खाने के लिए वरना ज्यादा भरेंगे। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। ओके बाय फ्रेंड्स।